नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव शर्मा और फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हमारे साथ है TVS Apache RR310 बिल्ट टू ऑर्डर 2022 विथ रेस किट, डायनेमिक किट एंड रेस रेप्लिका कलर। तो ये फुली लोडेड बाइक है जो कि TVS ऑफर करती है दो किट उसके साथ, जो कि है रेस किट एंड डायनेमिक किट। तो आज हम रेस किट और डायनेमिक किट दोनों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डायनेमिक किट से। तो डायनेमिक किट में बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं, चेन, फ्रंट सस्पेंशन, बैक सस्पेंशन एंड इसकी कॉस्ट है 12,000 रुपये, जो कि आपको बिल्ट टू ऑर्डर प्लेटफॉर्म पे बनाना होगा, जो कि TVS Arrive ऐप और TVS.in पे आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी फ्रंट सस्पेंशन की, फ्रंट सस्पेंशन में क्या चेंजेस हैं। तो इस पार्ट को आप अगर मैं अभी दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये पहले फ्लैट होती थी, इसमें प्रीलोड, रिबाउंड एंड प्रीलोड कंप्रेशन। प्रीलोड की दोनों में ऑप्शन है, इसमें कंप्रेशन की और इसमें रिबाउंड की ऑप्शन है। बेसिकली इससे चीज़ें होती क्या हैं कि आप अपनी सॉकर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये 7 क्लिक्स पे एडजस्ट करके आती है, आप इसे अपने जो कि 65 kg वेट के अकॉर्डिंग आती है, आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आपको सिटी राइड करनी है, रेस ट्रैक पे चलाना है या फिर अर्बन और टूरिंग करनी है। तो बेसिकली आप अगर बात करें तो इस, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि इसका वर्थ है लेना या नहीं, इसकी मतलब क्या होता है इससे। तो मैं उन्हें बता दूं कि बेसिकली सॉकर एडजस्टेबल होने से क्या होता है, जब आप रेस ट्रैक पे जाते हो या फिर रोड अर्बन एरियाज़ में जाते हो, तो जहाँ पे आपको सॉकर स्टिफ, कभी कभी आपको लगता है कि सॉकर बहुत टाइट हो गई है, तो आप इसे लूज़ कर सकते हैं। इन लेमैन लैंग्वेज, अगर आपको ज़्यादा तेज़ चलानी है और कॉर्नरिंग आप कर रहे हैं, तो अगर सॉकर की ट्रैवल ज़्यादा होगी तो आपको उतनी स्टेबिलिटी और हाई स्पीड नहीं मिलेगी, तो आप उस टाइम पे सॉकर को स्टिफ कर सकते हो। तो यह कुछ बात एडजस्टेबल सॉकर की। इसमें प्रीलोड, रिबाउंड, प्रीलोड कंप्रेशन की चार ऑप्शंस मिलते हैं। आप इसे टॉगल करने के लिए इसकी की भी आती है, आप इसमें नट डाले एलन की से टाइप कर सकते हैं। और बाकी ये जो की है इसकी स्क्रू के तरह डिज़ाइन की गई है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसको कि कैसे एडजस्ट करते हैं। जस्ट आपको इसमें ये प्लेस करना है और ये घुमाना है। याद रखें कि आप जेंटली घुमाएं इसे इस तरह से, क्योंकि अगर आप ज़ोर से घुमाएंगे तो ज़ोर से प्रेस करके घुमाओगे तो आप शॉकर को हार्म कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इसे आराम से घुमाएं। तो चलिए दूसरी जो चीज़ है इसकी, बैक सस्पेंशन। बैक सस्पेंशन की बात करते हैं हम इस साइड से। तो बैक सस्पेंशन जो है इसका प्रीलोड एंड रीबाउंड दोनों ही एडजस्टेबल है। इसके लिए आपको इसमें क्लिक्स में की लगा के, इसकी अलग से की आती है जो कि टूल बॉक्स में मिलेगी, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी प्रीलोड आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं इस नट से। तो ये बैक सस्पेंशन है, ये भी फुल्ली एडजस्टेबल है। इस पर आपको TVS की साइट पे आपको एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको इसकी प्रॉपर वीडियो चाहिए कि आप कैसे सॉकर एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं उसकी भी एक वीडियो स्पेशल बना के दूंगा कि कैसे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे TVS राइड एकेडमी पे इसकी लेशंस हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, मैं मेंशन कर दूंगा, नहीं तो मैं फिर एक स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम तीसरी चीज़ की जो डायनेमिक किट में आती है। तो तीसरी चीज़ जो आती है डायनेमिक किट में वो है, तो गाइस तीसरी चीज़ जो है इस डायनेमिक किट की वो है ब्रास कोटेड चेन। आप देख सकते होंगे ये चेन गोल्ड कलर की है, जो कि नॉर्मली बाइक में नहीं दिखती। तो ये है ब्रास कोटेड चेन, इससे चेन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है और लाइफ तो बढ़ता ही बढ़ता है। जैसे बाकी चेन्स अगर बारिश में भींग गई या फिर वाटर में गीली हो गई तो काफ़ी टाइम के बाद उसमें रस्टिंग शुरू हो जाती है, इसमें वो चीज़ नहीं है। ये प्रिवेंट करता है आपको रस्ट से और चेन की लाइफ भी अच्छी होती है, आपकी राइडिंग एक्सपीरियंस पे भी बेटर करता है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, तो गाइज ये तीन चीज़ें जो है आपको डायनेमिक किट में मिलेगी, जो कि डायनेमिक किट में आपको मैंने पहले ही बताया दोनों सॉकर्स फ्रंट एंड बैक एंड दिस ब्रास कोटेड चेन। दिस कॉस्ट ₹12,000 ऑनवर्ड्स ऑन TVS वेबसाइट। 12,000 रुपये देकर आप तीनों चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रेस किट, जो कि रेस किट काफ़ी लोगों को, तो अभी मैं रेस किट के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपके लिए ज़रूरी है और क्या आपके लिए नहीं ज़रूरी है। ये एक तो ये आपका कॉल होगा, बाकी मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। तो रेस किट में आप देख सकते हैं कि आप जब नॉर्मल गाड़ी से इसका कंपेयर करेंगे तो इसकी जो हैंडल है वो इनवर्ड्स प्लेस है और डाउनवर्ड 7 degrees, ये यहाँ पे कहीं हैंडल होता है तो ये अभी 7 degree इनवर्ड्स हो गया है और 5 degree डाउनवर्ड्स, मतलब यहाँ पर पोजिशन थी अब ये यहाँ पर हो गई। तो इससे होता है क्या है कि बेसिकली आपको जो है रेसर अर्गोनॉमिक्स मिलता है, जो कि आप जब आप बाइक को बैठोगे ऐसे तो आपको जो है एक प्रॉपर रेसिंग की फील आएगी और आप अच्छे से टक इन कर सकते हो और राइड कर सकते हो। तो ये हो गई पहली चीज़ जो रेसिंग अर्गोनॉमिक्स में बेटर करती है और हैंडलिंग जो है रेस स्पेक बनाई गई है। बेसिकली दिस इज़ फॉर ट्रैक ओनली,
जब आप ट्रैक पैक चलाते हो तो आपको ये काफ़ी मदद करेगी। दूसरी चीज़ है फुट पैक्स। फुट पैक्स की बात करें तो बेसिकली जो पहले फुट पैक्स थी वो नीचे प्लेस की गई थी, जिसके कारण जब आप कॉर्नरिंग करते थे तो आपको ये काफ़ी चिपकता था रोड में, जिसके कारण एक्सीडेंट्स होते थे और प्रिवेंट आपको नहीं कर पाती थी। तो अभी जो है इसको जो है थोड़ा ऊपर प्लेस किया गया है क्योंकि रेसिंग के लिए बना गया, और ये जो है फुट पैक्स वो नल्ड फिनिश में है, जिसके कारण आपको रेसर एक्सपीरियंस जो है ट्रैक का वो अच्छा मिलेगा। और इसकी हाइट जो है ज़्यादा कर दी गई है, जिसके कारण ये लीन एंगल जब आप करोगे तो गाड़ी इसमें ग्राउंड को टच नहीं करेगी। तो ये है कुछ रेस किट की बात। तो रेस किट की प्राइस की बात करें तो ये आपको 5,000 रुपये की पड़ेगी। तो 5,000 रुपये में आपको रेस किट में हैंडल जो है थोड़ी रेस क्राफ्टेड मिलेगी, और ये फुट पैक्स ऊपर होंगे और ये नल्ड फिनिश होगी। तो ये हो गई बात कुछ रेस किट की। तो अभी मैं बात करता हूँ कि क्या चीज़ें आपके लिए, अगर आप ट्रैक करते हो या फिर आपको थोड़ा रेसिंग और एग्रेसिव पोस्चर पसंद है तो आप रेस किट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 रुपये में बुरा नहीं है, क्योंकि ये आपको कभी कभी जब आप ऐसे भी सिटी में चलाते हो तो कभी आपको फील लेना है, अगर राउंड कॉर्नरिंग पे अगर आप लेटा सकते हो गाड़ी, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छा लगेगा करके। बाकी अगर मैं डायनेमिक किट की बात करूँ तो डायनेमिक किट में आपको काफ़ी सही चीज़ें मिलती हैं। मेरे से एक भाई क्वेश्चन भी कर रहे थे कमेंट बॉक्स में कि भैया क्या हमें ये रेस प्री इसका मतलब क्या है, क्यों लेनी चाहिए, बाद में ले लें। तो मैं आपको कहूँगा कि बाद में लेने से बेटर है कि आप 12,000 रुपये दे के पहले ही गाड़ी में ले लो। काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये सॉकर, सॉकर एडजस्टेबल होना, ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है कि आप एडजस्ट कर पाते हो या नहीं। बट हाँ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप सीख लो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, आप सीख लो तो बेस्ट है। बाकी 12,000 रुपये में ये वर्थ है, आपको सॉकर एडजस्टेबल फुल्ली मिल जाता है, जो कि आम तौर पे इस रेंज की बाइक पे देखने को नहीं मिलता, और ब्रास कोटेड चेन है, दोनों सस्पेंशन है। तो यस, दोनों ही किट वर्थित है। अगर आप रेस नहीं करते हो तो आप रेस किट ना लें। अगर गाइज आपको नॉर्मल हैंडलिंग पोजीशन चाहिए, थोड़ी रिलैक्स राइडिंग पोस्चर चाहिए, आप लॉन्ग राइड ज़्यादा करते हो, वैसे मैंने इस पर लॉन्ग राइड किया है, मुझे रेस किट के साथ दिक्कत नहीं हुई, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गाड़ी दोनों ट्राई करके देख लो। नॉर्मल बाइक अगर आपको हैंडलिंग रिलैक्स चाहिए तो आप रेस किट ना लो, कुछ खास अंतर नहीं है। बाकी अगर आप डायनेमिक किट के साथ जाना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, आप जा सकते हो, क्योंकि आपको कोई भी किट चाहिए होगा तो आप BTO से ही ऑर्डर कर पाओगे, आपको ये गाड़ी शोरूम पे नहीं मिलेगी। और इस कलर की मैं आपको एक बारी बता दूं कि ये रेस रेप्लिका कलर है, अगर आप ब्लैक कलर में रिम ग्रेड करवाना चाहें तो 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा, और रेस रेप्लिका कलर में ये इंक्लूडेड है, तो 4500 इस कलर का प्राइस है, जो कि आपको बिल्ड टू ऑर्डर प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, मैं एक बार गाड़ी दिखा दिया हूँ आपको। तो ये है कुछ इस गाड़ी का फीचर्स और रेस रेप्लिका कलर। तो दैट्स इट फॉर गाइस टुडे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लाते रहता हूँ बाइक्स की। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।